And rolling. ये सारी दुनिया तुम्हारे मन में है, ये सारी दुनिया की ताकत। But you guys know now हमने वो पार्ट काट दिया अभी फिलहाल। कहाँ था? The ARs डालते हैं। What? ऑफिस में मंगाते थे। No, क्यों? Why? Too long? Yeah, it was too no. long. No. Huh, didn't you know? Put it back. We put it बहुत पहले काट लिया था। Put it back. I want AR stories and his dal loving stories all to be in there. Huh. So people are happy that AR is talking a lot now. AR is a happy guy. There's a certain positivity in AR's life. AR is a jolly guy now. He's a jolly guy. Hey, jolly guy, thanks. You have a history with dal. I love dal. So what is your love romantic history with dal? When I came to Pakistan 4 years ago, so from England. जब अपना सार आपने बोरी बिस्तर है बांध के आप इंग्लैंड से जो है यहाँ पे पहुंचे। 4 साल हो गए यार। 4 साल हुए गए। अच्छा तो we work together obviously and almost every day we would have dal from Dogar. Not every day but we used to use it like a few times a week at least. तो it was our go to. दो 5 मिनट में आता था। Yes. Literally बिल्कुल साथ ही है। That's the main reason why and it's cheap obviously. And it's tasty. And it's very tasty. It's very tasty. लेकिन उसके बाद जो बाथरूम में आपका हालत होती है? मेरी तो नहीं होती है। अच्छा? आपकी होती है because बाथरूम में नहीं होती, थोड़ा सा वो गैस आता है। गैंस। गैंस आता है। Anyway, तो yeah, I love. That's why we love dal. It's gotten us through a lot. आर्ट्स में ना कहते थे कि अगर आपको ये कह दिया जाए ना कि जाओ कुछ भी बना के ले आओ, तो ये एक आपके लिए मुश्किल काम हो जाता है जब आपको फ्री छोड़ दिया जाता है कि जाओ कुछ भी बना के ले आओ, फिर आपको से डिसाइड नहीं होता। सही। सो क्या किया जाता है कि आपको एक सर्टेन लिमिट्स में डाल लिमिट्स में डाला। राइट। जब हम ओवरऑल ह्यूमन प्रोग्रेस को देखते हैं ना, तो आप देखते हैं कि परिंदे उड़ भी सकते हैं, मछलियां तैर भी सकती हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज है, इंसान की बड़ी लिमिटेशंस है। नहीं, इंसान तो चलता भी है, तैरता भी है, उड़ भी सकता है, सब कुछ करता है। यही बता रहा हूँ ना कि जो उसकी लिमिटेशंस थी उसने उसको मजबूर कर दिया कि वो इन्वेंट करे, क्रिएटिव हो जाए और अब वो स्पेस तक जा चुका है। इलॉन मस्क बन गया वो। इलॉन मस्क इज नॉट माय इंस्पिरेशन। सो जब हम लोग कुछ थोड़ा सा अपने आप को लिमिट करते हैं ना, तो हमारे ऊपर नए चैनल्स, नए रास्ते खुलते हैं। मतलब ये बैन कल्चर इज गुड? नो, नॉट पाबंद करना चीजें। जितनी ज्यादा आप पाबंद करेंगे उतने ज्यादा लोग क्रिएटिव होंगे। आई थिंक ट्राई करना नहीं, बैन। ज़ियाउलक ने बहुत सारी चीजें बैन किए थे अपने जमाने में, तो फिर हमारे मीडिया जो है फ्लरिश किया था। 50-50 रिलीज हुआ था, मौला जट आया था, ऐसे क्लासिक ड्रामास रिलीज हुए थे जो सब लोग पागल होते थे एक जमाने में। और आज जो है जब खुली छूट दी हुई है हमारे पूरे मुआशरे को, तो देखो क्या मतलब के गंद बला टट्टी बन रहा है ना। वो लोग टैलेंटेड थे, वो ज़िया के दौर से पहले भी अच्छा काम कर रहे थे, ज़िया के दौर में भी काम कर रहे थे। ये जो अब काम कर रहे हैं ना, इनको आप उठा के अगर नॉर्थ कोरिया भी ले जाएंगे ना, इनसे कुछ नहीं होगा। ओके। I have a cool hat. Do I look like a robber? निक्के? ओके, निक्के। किसको याद करना चाहिए था? सबकी गलती है। You are shit. All three shit. But I thank all three of you for coming and picking me up. Thank you guys. Very nice people. चाय कब पीनी है? चाय कैन बी एनी प्लेस, प्रॉपर चाय प्लेस। क्या कहते हो बिलाल? हाँ ऐसे ही। क्या कहते हो शाह? रुबैया की चाय नहीं, ढाबा ना, मैकडॉनल्ड्स। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ चाय। जस्ट चाय चॉफी। छोटा सा सीरीज बना लेते हैं क्विक कंटेंट फॉर्मेट के लिए। चाय चेओस। एस्प्रेसो शॉट रही है दी भाई? एस्प्रेसो? नहीं यार, वैसे इसमें भी एक जोक है। जज करती है दुनिया। क्या जज करती है दुनिया? हाँ। अमर और मैं चले गए एक दिन रेस्टोरेंट। तीन बंदे थे, मैं था, अमर था और एक और बंदा था। हमारी मीटिंग थी, उन्होंने कहा कुछ मंगवा ले। मैंने कहा कुछ भी मंगवा लो। मैंने मेन्यू देखा, मैंने वो मंगा ली, एस्प्रेसो की शॉट।
क्या होती, क्या नाम होता है? हाँ, एस्पेसो शॉट, सही है। अमर ने कहा दिल भी कुछ और देख ले, मैंने कहा नहीं नहीं फाइनल। अबने कभी पहले नहीं पी थी। नहीं, इतने में वेटर आ गया। हाँ, मैंने कहा वेटर वाह, हमने ऑर्डर दिया, उसने सबका ऑर्डर लिया। मैंने कहा मेरा शॉट, वो आगे मेरी शक्ल देख रहे, कहता वो कड़वी होती। मेरा दिल किया मैं उसका गिरबान पकड़, मैंने कहा मैंने वही पीनी, जब मैंने कहा है कि मुझे वही पीनी है तो वही लाओ। बस फिर वो आई, वो फिर खत्म ही ना हो मेरे से। इतना शॉर्ट था। अमर ने उसके बाद ही मुझे चार दवा पूछा, उसने कहा दिल भी कुछ और मंगवा ले। मैंने कहा नहीं, मैं यही पीऊंगा, अब मुझे गुस्सा है। तो ये जज नहीं करना चाहिए किसी को। नहीं, उस दिन अगर मुझे जज ना करते आपको भी, लेकिन स्टबर्न नहीं होना चाहिए। नहीं, जज करके फिर आप बंदे को वो कर देते, ऑकवर्ड कर देते। नहीं, इसका मतलब ये है कि हां, बिल्कुल सही जज किया आपको। हां ना, क्या रेट्स हैं आपके इधर अगर डिस्प्ले हम करवाना चाहें तो? 3.5 लाख नेट महीने का है। होते हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं लाहौर से ही बात कर रहा हूँ। किसी कंपनी से या ब्रांड से? एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे थे, मैं अपनी मार्केटिंग के लिए बजट इंतजाम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। वेरी चीप नो, 3.5 लाख फॉर वन वीक, बट टू चीप। नो थैंक यू, नो थैंक यू। वी हैव एन एक्टिव पेट्रियन अकाउंट, you can support us. We don't have an active YouTube account, but what do you get if you're a patron? What do you get if you're a patron? Tell Noor. Tier 1 mein you get forever access to the kitchen. Yeah, matlab ke log physically aake aapke kitchen mein aa sakte hain whenever they want. Yahan pe aake cooking karna hai, jisne bhi cooking karna hai wo aa sakte hain yahan pe. Very nice. Jab ingredients kaun layega? Nahi, ingredients have to bring your own ingredients. BYOY. BYOY. Next tier is we cook for you. Yeah, वो हम लाएंगे, वो BYO us. Then the third tier is what? Then they replace us in the show. Yeah, third tier is they can host the show. Yeah. Can't they host the show if they have access to your kitchen anyway? No, because they don't have access to our channel. Just the kitchen. Nice. Tiers start from $3,000. Comedians in the background, I think. Stand-up comedians. Salim, we turn to the stand-up comedians. I think they are wanting to become patrons and take over the show. How much was that again? $3,000 only. Only. Starting. Excellent bargain price. मैं बोलूँ, मैं खाड़ी पे गया और मैंने खाड़ी पे जा के उनके न्यू अराइवल से एक सूट उठाया जो महंगा भी था। और मैं वो खाड़ी वाला आ गया, सर आप ये ना ले सर, नहीं, नहीं, सर आप नहीं, काम बहुत ज्यादा है सर, बटवा पहले देखो। अच्छा, तो रश मचा हुआ था सेल का, इतनी औरतें, तो मैं ना थोड़ा वो था कि बस जल्दी जल्दी चीज लेके निकलूं। तो खैर, को मैंने जल्दी से उठाया और मैं जल्दी से उठा के सीधा काउंटर पे गया और मैंने उसको जैसी मैंने कहा उसका बिल कर दो, कहता यार सेल में नहीं है। यार मुझे पता ही सेल को नहीं। अच्छा, सारी औरतें वहां सेल में ले रही थी, किसी से उसने नहीं पूछा। और मुझसे एक मैं एक आदमी मुझे जज किया उसने, just because के सर तो आए होंगे सेल ही लेने के लिए। ये इसको क्या पता क्यों आएंगे? हां, इसको क्या पता सूट बूट का, ये सेल ही ले रहा होगा। और इसको ये भी नहीं पता होगा, इसने पढ़ा भी नहीं होगा कि ये न्यू अराइवल है, ये सेल है। मतलब मैं तो दुकान में पहली बार घुस गया ना गलती से। साथ मुझे कहते हैं आपने हमारा खाड़ी का नया मैगजीन पढ़ा, वो कपड़ों वाला? मैंने कहा नहीं। कहते इट्स वेरी इंटरेस्टिंग न्यू डिजाइन। मैं कहा अच्छा डाल दो। मैं घर गया, उसके पैसे थे और आपने रिसीट नहीं चेक की? या मैं सब बस आपने भी ले मैं वही ना, आपने भी वहां पे आराम से टाइम लेके रिसीट नहीं चेक किया, आपने भी कहा हाँ यार ये लो पैसे, अच्छा ठीक है। और हाँ, जी, जो, जो, फिर बाद में घर जाकर तो और अगर किसी ने कहा सर इसके तो मैगजीन के तो पैसे हैं, देन ही वुड बी टेलिंग दैट स्टोरी ना। एग्जैक्टली, मुझे पता है यार। हां यार, अल्लाह ऐसे नहीं करना चाहिए, हम लोगों को लूट लेते हैं लोग। आई हेट ब्रांड्स, ब्रांड्स सक। यस, गुड बिजनेस विद ब्रांड्स, वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम। सो माशाल्लाह, माशाल्लाह, MA MA। ठीक है। छोटी डील से बड़ी डील पे चले गए। He's our Oxy. Come on, Oxy. Come on, Oxy. आज ही तो हमने पैनकेक्स खाए थे Oxy. तू इस तरह नहीं मर सकता।
मुझे याद है कुछ साल पहले जो है शुरू में यहाँ पे लोग आके पर्दों के साथ जब करते थे ना, जिसने एक्चुअली इस पूरी जगह को इंटीरियर डिजाइन किया ना, तल्ला को आके यहाँ पे लोगों को सिखाना पड़ता, ये इस तरह रस्सी को इस तरह आराम से खींचते हो तो आराम से ऊपर जाएंगे, ये इस तरह नहीं करते हैं, सिविलाइज इस तरीके से अब ऊपर नीचे करते हैं। हाँ तल्ला यार फंस गया है कि क्या हो गया है? मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ इस तरह खींच रहा था इसे। बिलाल वेयर द चाय यार। जब भी चाय बन रही होती है ना, हम कैमरा को जारी रखते हैं। ये हेयर बैंड का क्या हाल है यार? मेरे में ज्यादा एवरीडे नहीं डालना है। पाउडर पत्ती आप पिला रहे हो, अभी ऐसे पड़ी होगी ये पत्ती, आपको वो कलर देगी जो आप चाह रहे हैं। एबी शाउट आउट। अच्छा बैक टू स्क्रिप्ट आ जाए। सो ओके पापा, ओए ये तो वो नाजिया हसन का गाना है ना? हाँ डैड, वो क्या मॉडिफाई किया है इन लोगों ने, है ना इन लोगों ने। यार ये वाली लाइनें नहीं डालनी, मुझे समझ में नहीं आता ये वीलो है क्या चीज, मतलब कि इट इज बेसिकली वीलो साउंड स्टेशन। मेहरबानो और शिवाश शिकरी को बुलाते हैं। यू नो व्हाट आई फील लाइक, वीलो इज लाइक अ च्युइंग गम दैट आई फील लाइक आई एम गोना पुट इट इन माय माउथ। यू नो इट्स नॉट अ च्युइंग, आई नो इट्स अ वेरी नस्वार टाइप। नस्वार है, निकोटीन, च्युएबल निकोटीन। आई डोंट नो, बेच तो ऐसे रहे जैसे सॉफ्ट मिंट्स हैं, जैसे कोई चिंगम है, टॉफी की तरह बेच रहे हैं और फिर बातें कर रहे हैं। वार्निंग, दिस इज अ निकोटीन प्रोडक्ट, प्लीज डोंट कंज्यूम इफ यू आर बिलो 2 इयर्स ओल्ड। बिलो इफ यू आर अबव 2 इयर्स ओल्ड एवरीबॉडी शुड हैव। ओके बाय यार, मेक योर चाइनीज फेस। नहीं नहीं नहीं, ये मेक इट ना, मेक द फेस एट लीस्ट। नो I do look Chinese and I'm proud of it. I do characters as well. I got a Chinese fella. Hello, Roy P. See, this is too much racism. Look, yes. We're playing on stereotypes. Playing on stereotypes is okay. And people don't understand that it has nothing to do with making fun of a different nationality. No, comedy is a place where the mind goes to tickle itself. Flower music and flower goddess. Oh my godness, Bilal. Beautiful. Ibi, you're going to a dinner party. It's time to get sophisticated. I love this. I actually love it. Thanks, China. क्या? क्या? Ibi चाय नहीं पीता? नहीं मतलब जब पीता तो घर से पीता हो। तो ये तुम्हारा घर नहीं है क्या? ये क्या किधर, मतलब दिस इज नॉट योर होम? ये पता कौन है? मैं कह ये यहाँ की बहू है क्योंकि सिर्फ यही काम करती है। हम लोग तो ससुराली है, बस बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, थोड़ा सा बातें करके चल जाते हैं। ना करो ना हमेश के, वो एक आप आते के साथ एक म्यूजिक शो था जिसमें वो जज कर रहा था, मैं जीता हूँ ऑडियंस के लिए, मैं मरता हूँ ऑडियंस के लिए। अगर मेरे 200 एल्बम और मेरे 500 गाने बनाए हैं और पता नहीं हिट हुए हैं, अगर वो सब बेकार है और आते के साथ बैठा उसके, अच्छा ठीक है भाई करता रहा तू ही, तेरी ये सारा कुछ। हमेश के एक कैंडिडेट ने राहत का गाना गाया और हमेश ने कहा अगर कोई प्रोड्यूसर इसको सुन लेना तो राहत को बुलाने का खर्चा खत्म हो जाए। राहत फतेह अली खान साहब को जब यहाँ लाना पड़ता है तो 50 बार प्रोड्यूसर अपना पॉकेट देखता है, क्योंकि पाकिस्तान से जब लाने के लिए तो 1000 बार उसके रिकॉर्डिंग कैंसिल होती है। जिसके ऊपर वो जो वहाँ का एक बड़ा मजेदार सा शेखर, क्या नाम है उसका, शेखर मल्होत्रा, विशाल शेखर, उसने उसको कहा ओ भाई ओ हेलो, ये लड़का अच्छा गाता है, बस ठीक है, एक आध होती है हर चीज की, ये तो मत कहो ना। नहीं क्योंकि इसको कोई इंडस्ट्री में काम नहीं देगा, इसके घर का चूल्हा चलता रहे, ये हमेश रेशमिया ने सोच लिया है और कोई इसको काम देना दे, मैं इसको जरूर काम। मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए। उसने वहां पे एक अलग ही इंडिया पाक बहस बना दी भाई। हेलो, हाँ जिंगल बनाना है, ब्रांड क्या है? तेरी मेरी पेटी पैक मोहब्बत, अरे पेटी पैक मोहब्बत, पेटी पैक मोहब्बत, फटना चाहे फटना चाहे फटना चाहे। I hate reality shows for that ना कि यार। अभी भाई हम अपना reality show बनाएं, आप जज बनना पसंद करेंगे? मैं हमेशा कैंडिडेट बनूंगा।
कैंडिडेट हमेशा मेरा टैलेंट होगा मैं एक टांग पे खड़ा हो सकता हूँ एक मिनट के लिए अभी दिखाए चले हियर वी गो गाइस आर यू रेडी फॉर दिस न्यू टैलेंट शो तालियां दे भाई के लिए तालियां 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 1 2 3 अरे भाई आप फ्लॉप हो गए मैं उसके साथ एक सैड स्टोरी सुनाऊंगा मैं जिस बस में स्कूल जाता था उसमें जगह नहीं होती थी जिस लड़की के पीछे जाता था मतलब इस तरीके तो रेडी व्हेन यू आर 3 2 1 गो ये 1 2 3 4 5 यार दिल भाई ये तो एक मेरा दोस्त था वो ये कहता होता था कि ऐसा हो सकता है कि मैं पियानो बजाना सीखूं फिर बहुत बड़ा पियानिस्ट बन जाऊं दुनिया में मेरा नाम हो जाए और एंड में लोगों को पता चले मेरे तो हाथ ही नहीं थे जैसे बेटोवन वाज डेफ बट ही वाज वन ऑफ द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ द वर्ल्ड इतना गंदा एंगल बन जाएगा खुदा के लिए ऐसे कुछ पेंटर हैं लाहौर में भी बड़े रहे हैं मशहूर कि वो अमेजिंग पेंटर्स हैं लेकिन कलर ब्लाइंड है अच्छा तो जब आप उनकी स्टोरी सुनते हो किसी भी ऐसे आदमी की किसी ऐसे आर्टिस्ट की अच्छा ये भी करता है ये भी करता है ये भी करता है कि मैं कैसा पियानिस्ट बनना चाहता हूँ जिसके हाथ ही ना हो और दुनिया का एक बड़ा पियानिस्ट हो हमारे रियलिटी शो में मैं जितनी दफा कैंडिडेट बन के आऊंगा आई वुड नॉट हैव अ टैलेंट बट आई वुड हैव अ स्टोरी We just need some Hitler jokes. What if my ball breaks? If your ball breaks, then you have to go to the doctor. We're so sorry. He's only got one ball. Like Hitler. Exactly. Sound testing, testing. Rapido. We are testing the testicles of Hitler's ball sack, which only has one ball, and her face. Frau is unfortunately dead, so she can't test his testicle ball sack. So we are doing it for him since he already poisoned his Frau. Conspiracy theories are fun. Did you guys know that Hitler only had one testicle? Yes. Is that actually true or is that just fake? If I know, then what do you think? It feels like something the CIA made up to make him look bad. This is dynamite. Hitler, one ball. Yeah. If you don't like him after he killed 6 million Jews, you know what? He's got one testicle. Hitler has only got one ball. Oh, what a smear campaign again. This is good. अरे भाई आप पिछले कुछ एपिसोड से क्यों नहीं आ रहे ऑडियंस पूछ रही है कि अधिवाई किधर है अधिवाई किधर है ऑडियंस भी नहीं पूछ रही ऑडियंस पूछ रही है बताएं ऑडियंस को जरा उधर देख के बताएं आई एम बिजी लतीफा सुना दे लतीफा सुना देना सीरियस बात है डॉक्यूमेंट्री आप किस चीज के बारे में बनाने वाले हैं लाहौर शहर के ऊपर बना बेशुमार लाहौर शहर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन चुके हैं आप क्या बनाएंगे मेरी डॉक्यूमेंट्री की पहली जो मेन उसकी जो लाइन है वो यही है कि लाहौर शहर के बारे में आपने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देखी लेकिन जो मैं बना रहा हूँ वैसी नहीं देखी ओके जो लाहौर शहर है दैट डज नॉट एग्जिस्ट वेयर एम आई पता नहीं कहाँ एक अजीब सी जगह पे खड़े हैं जिसको आप लाहौर कहते हैं तो ये दुनिया को भी दुनिया कहते हैं कि मैं जिधर खड़ा हुआ हूँ वो भी अजीब सी जगह है जिधर दुनिया नहीं है हाँ नहीं बेसिकली जैसे हम लोग एक फेसबुक यूट्यूब के ऊपर एक हमारी एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें सब कुछ ठीक है ना हाँ बट एक्चुअली में नहीं है ओके तो उसी तरीके से कि जिस लाहौर में हम जिंदा रहते हैं जो यहाँ है वो सिर्फ यहाँ है हर एक ने अपना लाहौर बनाया हुआ है ज़हनी तौर पे और वो उसके अंदर जी रहा है और वो उसी के अंदर मर रहा है वो तो सबके ज़हन में नहीं एक सेकंड आपने बहुत ही ये डीप बात छेड़ के आप भाग नहीं सकते हैं क्या मेरे ज़हन में जो लाहौर है वो आपके ज़हन में कुछ और है हाँ बिल्कुल ऐसे क्या सलीमी ये बहुत सलीमी जिस एरिया से आता है ना हाँ। उनके लिए तो ये वेगस है ये वेगस है ये आते सिर्फ यहाँ पार्टी करने ये यूरोप है ये यूरोप है इनका है कि लाहौर जाएंगे सलीमी आते मुल्तान से मुल्तान से भी जो आगे वाले जफरगढ़ से आ रहे हो वो सिकंदराबाद हमारा जो ना गांव है बिल्कुल शिबा से 8 किलोमीटर पीछे सिकंदर आजम जो था अलेक्जेंडर द ग्रेट उसको वहीं पे तो छुरी लगी थी सलीमी ऐसे ही है वहीं को मारा था उसको तुम्हारे पर ज्यादा ने कुछ किया था क्या हाँ डॉक्यूमेंट्री वहां पे बननी चाहिए तो डॉक्यूमेंट्री आप इसके ऊपर क्यों नहीं बना रहे थे सलीमी के ऊपर सलीमी क्या बात है तुम्हारी अलेक्जेंडर भी यहाँ पे आके स्टे नहीं कर सका यहाँ पे नहीं उसने कुछ शायर शूर जलाया सलीमी इज चीता या चीता थैंक यू फॉर द हिस्ट्री लेसन अदीवाई थैंक यू गुड लतीफा
क्या हुआ? बाल लग रहे हैं। ये कुछ नहीं हो रहा। हो रहा है वो, अभी देखिए ये देख। Oh my God, that's crazy. मेरे पास अब बाल है। Arthur is looking so confident, so happy. His smile is just undeniable. इसने अब नहाना नहीं है। So you will not shower for a few weeks? No. Thank you, Saju. Khuda hafiz. यार ये लाहौर तीन दिन लाहौर में रहे हो, तुम्हारे बाल आ गए। चेक करो, लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है, तुम्हारे बाल आ गए। हालांकि लाहौर को हमेशा गंजों ने चलाया, दो गंजों ने। सर आप इमेजिन करें ना कि मैं बस गंजा ही हूँ। मैं देखना चाहता हूँ, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ अपने साथ। अब मैं आपसे हर चीज में अच्छा हूँ, रंग में भी और बाल में भी। बाल में तो नहीं, सिर्फ रंग में 19-20 का फर्क है। बाल में भी अच्छा हूँ मैं। पेंट बने ना, अगर पेंट नहीं। Now, where is? Look at this abs, baby. Look at this. खुली हुई है। कहाँ खुली हुई है मेरी? कहाँ? मेरा पेंट कहाँ? खुला छोड़े, खुला छोड़े। नहीं नहीं खुला नहीं। यार बिल्कुल। नहीं देखिए यासिर, यासिर फुल गंजा हो रहा है। ठीक है, हम एपिसोड में ऐसे कर देंगे कुकिंग से पहले तो एआर भी तो गंजा अपना नहीं, तो नहीं, नहीं मैं दिखाता नहीं, मुझे क्यों से दिखा रहे हो, खुद भी तो गंजे हो रहे हो। नहीं मैं इसलिए मैं कैप पहनता हूँ। यार तुम्हें लगता है कि तुम्हें जरूरत है या तुम्हें जरूरत है? ये देखे मैं इनसे बेहतर हूँ यार। आई एम प्रिविलेज बिकॉज आई एम फ्रेंड ऑफ दैट। मेरे पास तुम हो। फ्रेंडशिप होती है कॉमनैलिटीज पे ना, वो है ब्रिटिश नेशनल, मैं हूँ यूएस वीजा होल्डर, आप क्या है? वन टाइम ट्रिप टू श्रीलंका। बाल, स्किन कलर एंड स्टमक। Hey, you are doing a podcast with Raat Fateh Ali Khan. Coke ने अभी इसको call किया है और कह रहे हैं कि we are at your disposal, whatever you want. यार ने कहा मुझे पैसे दो, उन्होंने कहा नहीं पैसों के अलावा anything you want. किसके पास है दुनिया में पैसे जो हमको दे दे? हमें नहीं देता कोई पैसे, पता नहीं क्यों यार, क्या मसला है लोगों? It is because of skin color. दीवाई आपने कभी ग्लो एंड लवली इस्तेमाल किया? नो, आई हेट ग्लो एंड लवली। आई लव ग्लो एंड लवली। आई लव यू ग्लो एंड लवली। आई लव यू मारवा कोकेन। क्यों? आई एम प्राउड टू बी ब्लैक। आई एम प्राउड टू बी लेस ब्लैक देन हिम। मैंने कहा था इसका मेरा पेंट बने तो वो कम से कम एक ही कलर, मामूली सा 19-20 का फर्क है। जौहर टाउन में पेंट कराएंगे तब वो एक शेड में डालेगा, डिफेंस में जब आप पेंट कराएंगे ना अलग अलग ही नाम होंगे। ये होगा ब्लैक और ये होगा खरमोला। लेट्स टेक अ लुक एट फाइव डिफरेंट ब्लैक्स। Ivory black, lamb black, Mars black, Arthur black, Adil black, charcoal grey caramel. मैं मैट में हूँ ना। आप मैट, मैट फिनिश है। मैट फिनिश। वो शाइन है। HD glow. मच्छर मारने वाला मैट है। मच्छर? तो ये मच्छर मैट है ना? क्या? उसने मुंह में मास्क लगाया हुआ है लेकिन काला इबी भी है। नहीं इबी के बारे में आपने कुछ नहीं कहना। इबी पे शाउट आउट। इबी शाउट आउट। शाउट आउट ऑन इबी। Right now I'm Arthur Ahmed. Yeah. Now I'm Adil bhai. I like it. It was a good joke. Yeah, please tell us more about the Fountainhead. Ayn Rand, jo author hai, she, I would generally very much disagree with her. Kyunki uske jo ideology hai, wo entirely individualist hai. She's a capitalist. She's a very anti-communist socialist. Theek hai? So I would generally very much disagree with her. But then, ye ab main book padh raha hu aur main keh raha hu ki yaar, bahut khoobsurat book hai. Kyun? Isme khoobsurati ki kya baat hai? Yaar, it just tells you that all you have is your own way of looking at things. And the more that you create from other people's perspective, ki yaar main isko khush kar raha hu, main isko khush karu, main ek cheez banau just to make other people happy, you lose your, you know, your own self. So the interesting thing is that there's a character in there called Peter Keating. Peter Keating. And he's this extremely successful architect, theek hai? But he doesn't really have any ideas of his own. Okay. Wo jab bhi building banate hai, wo Greek style of architecture mein banata hai ya koi us type ki cheez, he always takes from other people inspirations and he's very successful, lekin he's also extremely unhappy and I feel like Peter Keating.
डिबेट गोज के ओरिजिनलिटी अभी भी बंदा क्रिएट कर सकता है. आई थिंक यू कैन, बट द ओनली थिंग इज यू कांट क्रिएट फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव ना. आप ये तो नहीं कर सकते कि यार like from the audience would want us to make this, therefore humne wo banana. Nahin, you should just be absolutely, just only think that what I think is the right way, because that's all you have in the end of the day, right? Yes. Your own point of view. So where is your life going these days? Where do you feel like you are not listening to, where you're not listening to yourself, but listening to... Don't you think that's all the projects that we do these days are... Not Cooking Chaos. This cooking is Chaos one is thing. The one thing that we have this that is non-audience driven, because हम audience की नहीं सुनते हैं, audience हमें बस वैसे ही पसंद करती है. शुक्र. जो audience कहती है donut cut दो, हम कहते हैं नहीं देना. What donut cut? But like as an example, जब आप भी obviously हमारा interest तो film में है ना, तो अगर आपने film बनाने तो फिर लोग कहेंगे कि यार आवाम के लिए तो बनाओ ना. हाँ. अवाम के लिए तो आपने बनाना है. नहीं, वो तो जनरल एक बात होती है, ठीक है. वो अलग, वो इट्स अप टू यू इफ यू सकम टू देयर सजेशंस. देखो, लोग आपको हर वक्त कहेंगे कि आप ऑडियंस के लिए बनाओ, ठीक है, और वो चीज़ बनाओ जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकती है, राइट. ताकि क्या, ताकि वो लोग भी, जो लोग काम कर रहे हैं उस फिल्म में, वो भी पैसे कमाएं और वगैरह वगैरह. इट्स अ ट्रिकल इफेक्ट. सो देयर इज अ क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ. दैट्स द रियल क्वेश्चन. यस. You don't have to listen to people's advice. You can be like, no, I want to make something that is my way. What if you've been listening to people all of your life, so you don't even know what you want? That's the real tragedy, don't you think? But that's living in a society, yahi hota hai. Ya to you go and live in a desert island and then you become somebody. Just by yourself. You make something for yourself, you watch it yourself, you clap for yourself. Wow. I made something so original, nobody will ever see it. यार से जल्दी, सुबह होने वाली है. बस इतना ही है. Yes, we're done, right? Yes, we're done. Amazing. Clapping for ourselves.